नमस्कार, एक बार और आपको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, नितिन सिंह जी की तरफ से हैप्पी दिवाली एवरीडे। आपको सुन के कितना अच्छा लगता है। अगर कोई आपको बोले आपको हर रोज खुशियां मिल सकती हैं, आप किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल अगर आपको ही ना मिले और बाकी सभी लोग सोचें कि किसान मेरा कस्टमर है, तो कितना बुरा लगता है आपको। बस यही सोच से, यही अप्रोच से कि किसान का किसी भी हालात में इतना उपज आए और इतना अच्छा क्वालिटी आए, जैसे हम लोग अपने खाने में पूरे दिन भर में सुबह हम लोग दो रोटी खाते हैं या कुछ और खाते हैं, दिन में हम दही भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, सैलड भी खाते हैं, फिर दोपहर में फिर खाना खाते हैं, शाम को फिर खाना खाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने 10 दिन की रोटी एक साथ खा ली हो? नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने एक बार दही पी ली हो, दोबारा 2-4 दिन बाद नहीं पी हो? क्या वही दही या वही खाना 10 दिन तक काम आता है? नहीं। तो क्यों ये गलती हम बार बार खेतों में कर रहे हैं कि हम एक साथ बहुत सारा डाल देते हैं और सोचते हैं कि वो कई महीनों तक काम करेगा और अच्छा करेगा? उससे दो नुकसान हो जाते हैं। एक तो वो पूरा नहीं मिल पाता, और एक वो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो उसी सिलसिले में जब हमने आज भूमि को देखा, तो उसमें सबसे बड़ा मिसिंग, सबसे ज्यादा कारण क्या मिला कि जो डेली एवरी मिनट एवरी सेकेंड पौधों को न्यूट्रिशन चाहिए या जो उसको खाद खाने को चाहिए, वो मिसिंग है। वो मिसिंग क्यों है? क्योंकि उसको पहुंचाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, उसको घोल के देने वाला, उसके मुंह तक पहुंचाने वाला, अभी जो सबसे मेन कारण है वो उसमें से लुप्त होता जा रहा है। वो कारण क्या है? वो कारण है जीवाणु। अब वो जीवाणु एक प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया जिसका नाम है सीड ग्रो प्लस प्लस। नाम कितना डिफिकल्ट है, पर सोच कितनी बड़ी है। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अलग 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 प्रोडक्ट लगाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट डालते हैं, या नाइट्रोजन के लिए, या फास्फोरस के लिए, या पोटाश के लिए, या जिंक के लिए। ये एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जो अपने आप में गागर में सागर, एक ही प्रोडक्ट है पर वो सॉल्यूशन दे रहा है सभी प्रोडक्ट का। इसमें नाइट्रोजन को अवशोषित करने वाली बैक्टीरियाज हैं, फास्फोरस को सोलिबलाइजिंग करने वाली बैक्टीरियाज हैं, पोटाश जो कि MOP बोलते हैं हम, पोटाशियम सल्फेट बोलते हैं, उसको मोबिलाइज करने वाले बैक्टीरिया हैं, जिंक सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, सिलिकॉन सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, कॉपर सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, आयरन सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं। और देखिए, इस बड़ी समस्या का कि खेतों में फर्टिलाइजर का डोज बढ़े जा रहा है और मिट्टी हमारी उपजाऊ से कम उपजाऊ होती जा रही है, उसका मूल कारण देखते हुए कंपनी ने 2008 में, आज से 15 साल पहले, एक आविष्कार किसानों के लिए लॉन्च किया था। उस आविष्कार में भी वही खास बात है कि किसान को दर दर भटकना ना पड़े, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग टाइम पे डालना ना पड़े, उसको एक सिंपल से सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल से सिंपल उसको नॉलेज, और उसको बिल्कुल एक आम भाषा में डालने का एक तरीका, इन सब को सोचते हुए कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था सीड ग्रो प्लस प्लस। और उसके नीचे एक छोटी सी बात लिखी जो बात कितनी बड़ी हो सकती है। यहां लिखा है फार्मर्स ओन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर फैक्ट्री। हाँ दोस्तों, ये आपके लिए, आपके ही खेत में से, आपके ही खेत में से जो मिट्टी है, उसी मिट्टी से जो, उस मिट्टी का जो अंदर गोल्ड माइन जो फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री से निकाल निकाल के माइनिंग कर करके आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। उसका मतलब क्या है? जैसे हम बोलते थे उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी में मिसिंग क्या है? मिसिंग है सिर्फ ये, अगर हम न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, वो अपने आप में नहीं पहुंचता है। उसको पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जीवाणु। वो जीवाणु अगर कोई भी मिसिंग है, मान लीजिए हमको आज चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जीवाणु हमने डाला नहीं तो वो नहीं पहुंचेगा। आज हमें चाहिए फास्फोरस तो वो नहीं डाला तो वो नहीं पहुंचेगा। हमें चाहिए पोटाश, वो नहीं डाला तो नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही हमारे को 16 कम से कम तत्व चाहिए होते हैं एट ए टाइम। एट ए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज तक सभी लोगों ने क्या किया, शुरू में नाइट्रोजन डालना है, फिर हमें फास्फोरस डालना है, फिर हमें पोटाश डालना है, फिर हमें ये डालना है, फिर हमें वो डालना है। इस कारण से किसान वैसे वैसे डालता गया। पर अगर हम बीमारी को आने ना दें, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा कर दें, तो कितना स्वर्ग जैसा कंडीशन रहेगा। बीमारी नहीं आने का सबसे अच्छा सोल्यूशन हमें क्या लगता है? न्यूट्रिशन का हर समय हर पल पौधों को मिलना। इसमें 12 स्ट्रेन्स हैं, 12 की 12 जो स्ट्रेन्स हैं, बैक्टीरिया फंगस माइक्रोराइजा मिला के। एक एक स्ट्रेन 25-25 साल की रिसर्च वाली है,
सभी कंडीशंस में वो काम करती हैं, सभी फसलों में वो काम करती हैं, उनके रिजल्ट देख के तो हम भी खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि किसान इसको क्यों नहीं अपनाएगा और किसान इससे वंचित क्यों रहे। इसीलिए एक बार फिर हंटिंग की तरफ से, नितिन सिंगल की तरफ से हैप्पी दिवाली शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिंग है तो हर दिन दिवाली है।